देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में होने वाला डेमोग्राफिक बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये बदलाव सामान्य नहीं है। पिछले 10 साल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम के बॉर्डर वाले इलाकों में जनसंख्या में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है। नेपाल बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ी है। इतना ही नहीं, यहाँ से सैन्य मूवमेंट और खुफिया जानकारियाँ भी लीक होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लिहाजा देश की सुरक्षा एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले हर नागरिक का डेटा जुटाने के लिए सर्वे कराएगी। सुरक्षा एजेंसियों का सर्वे कराने का प्लान किया है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में मुसलमानों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जा रहा है। दरअसल राजस्थान, यूपी और असम में सीमा से लगे जिलों में सिर्फ 10 साल में आश्चर्यजनक ढंग से डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड के आधार पर यूपी और असम की पुलिस ने केंद्र को अलग अलग रिपोर्ट भेजी। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मुद्दा कहा गया। दोनों ही राज्यों की रिपोर्ट में ये बताया गया कि बॉर्डर के साथ लगे जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है, जबकि पूरे देश में ये बदलाव 10% से 15% के बीच, यानी मुस्लिम आबादी सामान्य से अधिक बढ़ रही है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यूपी के 5 ऐसे जिले जो सीमा से लगते हैं और जिसमें 1000 से अधिक गांव बसे हुए हैं, इनमें से 116 गांवों में मुस्लिम आबादी अब 50% से ज्यादा हो गई है। कुल 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से 50% के बीच है। इसी तरह राजस्थान के उन इलाकों में भी मुसलमानों की संख्या बढ़ने की बात 2018 में सामने आई थी जो सीमा से सटे हुए हैं। बीएसएफ ने जैसलमेर में 2011 के बाद मुस्लिम आबादी 25% तक बढ़ने पर चिंता जताई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इसी इलाके में गैर मुस्लिम आबादी 10% ही बढ़ी है। पुलिस को समय समय पर ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ जारी है। घुसपैठियों में ज्यादातर मुस्लिम। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इतना ज्यादा डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ आबादी बढ़ने का मसला नहीं, ये भारत में घुसपैठ का नया पैटर्न हो सकता है। लिहाजा खुफिया एजेंसियां इन इलाकों का सर्वे करके हर नागरिक के बारे में जानकारी जुटाना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि इस बार सीमा से सटे सभी राज्यों में ऐसा सर्वे होगा और वो राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य। सर्वे की शुरुआत राजस्थान से होगी। सीमा से 50 या 100 किलोमीटर दायरे में रहने वाले हर धर्म के लोगों को सर्वे में शामिल किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की मांग पर कुछ इसी तरह का सर्वे केंद्र सरकार ने 2020 में भी पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में कराया था। तब इस पर राजनीतिक बवाल मचा था। हालांकि ये सर्वे छोटे स्तर पर हुआ था, इसमें कई ऐसी जानकारियां सामने आई थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।